हेलो बच्चों, हाउ आर यू। 10th के एग्जाम खत्म हो गए हैं और अब हमें साहू स्क्रीनिंग टेस्ट के ऊपर कंसंट्रेट करना है। मैं योगेश अग्रवाल, वाई एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आप आगे आने वाले कुछ ही दिनों में जो साहू के आपको तैयारी करनी है, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप देता हूँ। बाद में नहीं किया ना कि बताया नहीं, तो मैं आज आपको थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ जो साहू स्क्रीनिंग टेस्ट को क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी है, राइट। लेकिन आप सबसे पहले एक काम कीजिए, हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि मेरे चैनल पे जितने ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे लोगों को फायदा होगा और हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम और अच्छे वीडियो आपके लिए बनाएं। तो देखिए, साहू स्क्रीनिंग टेस्ट 2023, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप बहुत ज्यादा दिन बचे नहीं है, तो इसके लिए जो भी आपके दिन बचे हैं उसमें आपको क्या करना है, तो एक चार पांच पॉइंट में आपको बताऊंगा। अगर आपने वो कर लिए तो मैं योगेश अग्रवाल पक्का कहता हूं आपका सिलेक्शन साहू स्क्रीनिंग टेस्ट में हो सकता है, राइट। देखते सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए साहू में सिलेबस आएगा, कौन कौन सा सिलेबस आएगा, 8th का, 9th का और 10th का, ये तीनों साल का मिलके सिलेबस आता है। लेकिन आपको क्या करना है बच्चों, टाइम कम है तो हमें पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं, हम 8th क्लास को बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ना आपको 8th का। क्यों नहीं पढ़ना है बता देता हूँ, क्योंकि 8th का पूरा सिलेबस 10th में आता है, जो कुछ 8th में है वो सब 10th में भी है, इसके लिए 8th को पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले 8th कम हो गया आपका, अब क्या बच गया, 9th बचा है और 10th बचा है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जल्दी जल्दी मैं एक बात और बता दूं यहाँ पे, दूसरा पॉइंट, ये पहला पॉइंट सिलेबस का हो गया, दूसरा पॉइंट 10th, 10th का जो एग्जाम है आपने अभी दिया है, 10th एग्जाम डन रिसेंटली, अभी अभी आपने पढ़ा है 10th का एग्जाम, अभी अभी दिया है एग्जाम आपने, 10th अभी आपके टिप्स पे है, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस तो है ही, बोर्ड के हिसाब से तो है ही कम से कम। तो आप क्या 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 करेंगे, सिर्फ 10th के एग्जाम डन हुए हैं, कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ क्या करना है, जो IIT या NEET के फाउंडेशन के बुक हैं, फाउंडेशन बुक्स, उनके क्वेश्चन लगाने हैं आपको, तुरंत आज से ही शुरू कर दो, मार्केट से IIT फाउंडेशन के बुक्स ले लो, NEET फाउंडेशन के बुक्स ले लो, और उसमें जो भी एक्सरसाइज है फटाफट शुरू कर दो, टाइम नहीं है अपने पास, ये हो जाएगा। 10th का नो थ्योरी, कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, नो थ्योरी एट ऑल। तीसरा पॉइंट, आप 9th को भूल चुके हो क्योंकि आपके एक साल पहले 9th पढ़ा था, कुछ बच्चे अच्छे भी हैं आप में से जिन्होंने 10th में रहते हुए भी 9th पढ़ा, और कुछ बच्चे जो हमारे एकेडमी से, वाई एकेडमी से पहले से जुड़े हैं, उनकी तैयारी पहले से हमने करवा दी है 9th की। लेकिन जो अभी नया वीडियो देख रहे हैं, जो अभी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, उनके लिए ये स्ट्रेटेजी है कि आप लोग 9th क्लास का सिलेबस सबसे इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप उसको तुरंत पढ़ लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेबस है भाई ये, 9th क्लास के जो भी चैप्टर्स है उनको पढ़ के आपको एक साल हो गया है, आपने दोबारा रिवीजन नहीं किया होगा, और अगर आपने दोबारा रिवीजन नहीं किया है अब कर लीजिए, 5 दिन में 9th खत्म कीजिए, 5 days 9th फिनिश, पूरा 9th फिनिश करना है आपको 5 दिन के अंदर, करना क्या है वो भी समझें, थ्योरी बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है, नो थ्योरी, नो थ्योरी। क्या करेंगे, ओनली ये बुक्स, फाउंडेशन के जो बुक्स हैं वो, ओनली फाउंडेशन बुक्स, ओनली फाउंडेशन बुक्स, फाउंडेशन बुक्स के एक्सरसाइज, बुक्स एक्सरसाइज। बच्चों साहू कॉलेज में जो कुछ पूछा जाता है थ्योरेटिकल बेस्ड बिल्कुल भी नहीं है, फंडामेंटल्स तो आपके क्लियर होने ही चाहिए, लेकिन उनके ऊपर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, खास तौर पे ट्रिकी क्वेश्चन बनते हैं, वो ही आएंगे साहू में, उसके लिए आपको फाउंडेशन के बुक्स रेफर करने हैं, थ्योरी पढ़ के टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो, 5 दिन में थ्योरी पढ़ भी नहीं सकते आप। और चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फोर्थ पॉइंट, आपको इंग्लिश ग्रामर तुरंत खत्म करो,
इंग्लिश ग्रामर पढ़ लीजिए, इंग्लिश ग्रामर। और पांचवा पॉइंट मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी के नंबर सीरीज में जो मिसिंग नंबर वगैरह होते हैं, कोडिंग, कैलेंडर, ऐसे एक कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे आपको मेंटल एबिलिटी के, उनको आप पढ़ लीजिए। और ये पूरा अगर आपने एक 10 दिन का प्रोग्राम, 12 दिन का प्रोग्राम मान के चले, तो आपको साहू कॉलेज का स्क्रीनिंग टेस्ट में अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखिए, मैं ये तो नहीं कहता कि आप ये करके 100% आप स्क्रीनिंग टेस्ट में सफल हो जाओगे, लेकिन आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। तुरंत ये कीजिए। कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, अभी 10th का एग्जाम खत्म हुआ है तो अभी एक आध दिन लगेगा उनको साहू स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी शुरू करने में। इतना टाइम नहीं है आपके पास, आज से ही शुरू कीजिए। मैं वीडियो अभी तुरंत पोस्ट करने वाला हूँ और तुरंत शुरू कीजिए आपकी ये एक्सरसाइज को। राइट, थैंक यू वेरी मच। एक दो दिन में वापस से दूसरे वीडियो आ जाएंगे जिसमें और भी स्ट्रेटेजी और नए ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। राइट, थैंक यू वेरी मच। गुड लक फॉर साहू स्क्रीनिंग टेस्ट। ये फटाफट स्ट्रेटेजी फॉलो कीजिए। गुड लक।